सैमसंग ने अपना नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है जो कि है सैमसंग M20 और जिन स्पेसिफिकेशन के साथ ये आता है ऐसा लगता तो नहीं है कि सैमसंग का फ़ोन है, मतलब रियलमी या रेडमी वगैरह से कंपेरेबल है काफ़ी हद तक इस प्राइस रेंज में जो कि 11,000 की है। बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को। मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था लेकिन मैंने बना ही नहीं क्योंकि मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहता था इस फ़ोन को लेके। तो मैंने काफ़ी नेगेटिव रिव्यू भी सुने थे इस फ़ोन के बारे में कि मैंने ये भी सुना था कि सभी लोग इस फ़ोन की अच्छाई कर रहे हैं, कोई इसकी बुराई के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन वो सब मतलब ऐसे ही था। ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं है इस फ़ोन में, बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे पे फ़ोन अभी भी नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर अभी हूँ नहीं कि मुझे कंपनी खुद से फ़ोन भेजेगी और रिव्यू के लिए, तो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। आपका सपोर्ट रहा तो आपको पता है सपोर्ट कैसे करते हैं, वो सब्सक्राइब कर लाल बटन है ना उसे दबा देना और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन भी दबा देना। मेरे पास ये फ़ोन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस फ़ोन के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। इस वीडियो पे आप आए हो ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है, अच्छा फ़ोन है बुरा फ़ोन है, बस आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब पहले मैं डाउटफुल था इस फ़ोन को लेकर लेकिन अब मेरे काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। मैं ये अच्छी तरीके से मुझे पता चल गया इस फ़ोन को लेना है या नहीं लेना है। आपको भी मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा क्या क्या है इस फ़ोन में, क्या नहीं है, क्या आपको मिल जाता है, क्या कुछ आपको नहीं मिलता है। कई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले की। तो यहाँ पर सैमसंग M20 में आपको देखने को मिल जाएगा एक 6.3 इंचज़ का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि आता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के साथ में। अभी इन्फिनिटी वी डिस्प्ले कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, सर सैमसंग ने बस इसको नाम दे दिया है जो कि फुल HD प्लस एक डिस्प्ले है। गाइस यहाँ पर आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाएगा और ये नॉच है वाटर ड्रॉपलेट वाली है और यहाँ पर 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और 90% से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पूरा बेजललेस फ़ोन है, हल्के फुल्के बेजल से बिल्कुल हल्के, वो भी नीचे चिन की तरफ, बाकी तो पूरी स्क्रीन है। बहुत ही कमाल का डिस्प्ले, हाथ में पकड़ के तो मज़ा सा आ जाएगा। गाइस बात हो गई डिस्प्ले की और अब बात करेंगे हम इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो सैमसंग का अपना है जो कि Exynos 7904 जो कि बिल्कुल अभी नया प्रोसेसर आया है। गाइस ये प्रोसेसर 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जहाँ पर ये सारे कोर्स इसके 1.8 GHz वाले नहीं है। जो दो कोर्स हैं जो कि डुअल कोर है वो है 1.8 GHz का कॉर्टेक्स A73 और जो बाकी के 6 कोर्स हैं वो अलग से वो है कॉर्टेक्स A53 1.6 GHz वाले। GPU भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा जो कि माली का G72 नहीं दिया है, यहाँ पर G71 है उसकी जगह। थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग यहाँ पर भी कर ली है सैमसंग ने। गाइज अब 11,000 की रेंज में ये प्रोसेसर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओहो क्या प्रोसेसर दे दिया 11,000 में, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है, ठीक है, मतलब 11,000 की रेंज में जितना होना चाहिए उतना है, मतलब कुछ कम नहीं है, लेकिन 11,000 में इससे बेटर एक बार को दे सकते थे, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा प्रोसेसर है। बात कर लेते हैं अगर गेमिंग की, और गेमिंग की बात करें तो इसमें पबजी तो आएगा ही आएगा। तो पबजी अगर आप खेलना चाहते हैं इस फ़ोन में तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपके आप 3GB रैम वाला फ़ोन ना लें, 4GB वाला लें, क्योंकि मुझे मतलब मैंने कुछ एक वीडियोस देखी है ना तो 3GB वाला जो फ़ोन है वो मतलब लो सेटिंग्स में उसमें आप खेल पाओगे, लो सेटिंग या मीडियम सेटिंग में आप खेल पाओगे, और जो 4GB वाला वेरिएंट है उसमें आप हाई सेटिंग्स में बिल्कुल बिना लैग के इसे खेल सकते हो। मैंने कई वीडियो देख लिया, फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं करता है पबजी खेलते हुए। और अगर आप एक मॉडरेट गेमर हो, कभी कभी पबजी खेलते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह भी शाम भी, कभी कभी जैसे खेल लिया कभी कभी पबजी, तो उसके लिए आप 3GB रैम वाला भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक प्रोसेसर है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अब इस प्रोसेसर को यहाँ पे कंपनसेट कर लिया है इसकी बैटरी ने, यहाँ पर इतनी बड़ी बैटरी दे दिया ना सैमसंग ने कि मेरे को तो यकीन ही नहीं होता अभी भी। तो ये 5000mAh की बैटरी है, 5000mAh की बैटरी सैमसंग के फ़ोन में मतलब यकीन नहीं होता, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन तो ऐसे होते हैं कि दिन में 4-4 बार चार्ज करने पड़ जाते हैं। चलो 5000mAh की बैटरी चलो दे दी एक बार को गई, उसके साथ में यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी दे दी इन्होंने, USB टाइप सी केबल भी दे दिए इन्होंने, और इवन मतलब फ़ोन के साथ ही फास्ट चार्जर भी दे दिया है। लेकिन कई फ़ोन्स में ऐसा भी करते हैं कि फ़ोन में तो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होती है लेकिन साथ में ये लोग फास्ट चार्जर नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करा है सैमसंग ने, साथ में फास्ट चार्जर भी आपको दिया है टाइप सी पोर्ट के साथ, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब बजट रेंज के फ़ोन में भी हमें टाइप सी देखने को मिल रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस इस सेक्शन में तो आपके पूरे पैसे वसूल है मेरे हिसाब से, 11,000 में बहुत कुछ दे दिया इन्होंने बैटरी के मामले में, काफ़ी कुछ है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस फ़ोन को लेने का, मतलब सबसे बड़ा हो सकता है ये रीज़न, मुझे काफ़ी पसंद आई ये चीज़ें। और यहाँ पे कंपनी ने ऐसा क्लेम करा है कि फुल चार्ज पे आप 28 आवर्स तक वीडियो प्लेबैक देख सकते हो। वैसे 28 आवर्स तक कौन देखेगा, पर मतलब जस्ट एक उन्होंने ऐसा क्लेम करा है। ये भी क्लेम करा है उन्होंने कि 10 मिनट्स के चार्ज में, सिर्फ 10 मिनट्स के चार्ज में आप यहाँ पर 3 आवर्स तक वीडियोस देख सकते हो और 11 आवर्स तक म्यूज़िक वगैरह इन्जॉय कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा तो कोई करता है नहीं, जस्ट ये क्लेम करी हुई चीज़ है।
गाइस डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, बैटरी हो गई, काफ़ी कुछ हो गया। अब बात करते हैं हम कैमरे की। तो जैसे कि आपको पता होगा यार, सैमसंग के कैमरे काफ़ी अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर भी मतलब ठीक कैमरा है, बहुत ज़बरदस्त भी नहीं है, इतना भी नहीं कि ओए होए होए क्या फ़ोटो खींच दी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कैमरा है, मतलब इस बोल रहा हूँ मैं 11,000 की रेंज में, ठीक है, बहुत गजब का भी नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा कैमरा है ये कह सकता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 13+5 मेगापिक्सल का एक ड्यूअल कैमरा सेटअप जो कि फ़ोन के पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर जो 13 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा है उसका अपर्चर f1.9 है, और जो दूसरा कैमरा है गाइस वो बेसिकली एक वाइड एंगल लेंस है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तो 120 डिग्री तक यहाँ पर आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वाइड एंगल में फ़ोटो कैप्चर करने में मदद मिलेगी। तो गाइस जो फ्रंट कैमरा यहाँ पर है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अपर्चर है f2.2 का, तो ये भी मतलब ठीक है, 11,000 के रेंज में ऐसा ही मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल 13+5 मेगापिक्सल का सेटअप, एक अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको कैमरे को लेकर। मैं काफ़ी सारे इसके कैमरा रिव्यूज़, कैमरा सैंपल वगैरह देख चुका हूँ, तो डे लाइट में तो काफ़ी अच्छी फोटोज़ ही लेता, मतलब ऐसा नहीं है कि ओए होए होए क्या कतई जहर फोटो है, ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल फोटो है, काफ़ी डिसेंट फोटोज़ यहाँ पर ले लेता है डे लाइट में। अगर बात करें लो लाइट की तो यहाँ पर इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे ये लो लाइट में, जैसे बाकी मैंने कुछ एक कैमरा देखे हैं सैमसंग के, मतलब फ़ोन के कैमराज, तो इससे काफ़ी बेटर लगे मुझे, हालांकि उनका प्राइस भी ज़्यादा था, लेकिन मतलब सैमसंग है तो लो लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो लेनी चाहिए थी, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब लो लाइट में भी ठीक है पर इम्प्रेसिव कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है, डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर कर लेता है। गाइज ये सब तो स्पेसिफिकेशन हो गई इस फ़ोन के बारे में, अगर आपको थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हो भी चुका होगा कि कौन सा लेना चाहिए, 3 GB वाला, 4 GB वाला, या फिर ये फ़ोन लेना भी है या नहीं लेना है। तो अगर आपको पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अब और अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ, फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ मैं अपना। तो गाइज अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए जिसका डिस्प्ले बहुत अच्छा हो और बार बार आपको उस फ़ोन को चार्ज पे लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक मॉडरेट से गेमर हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग कर लेते हैं, पबजी वगैरह थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, या सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा रहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 GB रैम वाला वेरिएंट इसका प्रेफर करें। अगर आप पबजी नहीं खेलते हो या फिर कोई ऐसा हैवी गेम नहीं खेलते हो, नॉर्मल मल्टीटास्किंग करते हो, आप सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, इवन अगर आप एक यूट्यूबर हो और YouTube अपना अकाउंट मैनेज करते हो फ़ोन से ही, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 GB वाला ही ले, तो आपके लिए 4 GB वाला रैम यूज़लेस है, मतलब वो 1 GB रैम बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके अगर आप नॉर्मल यूजेज करेंगे इस फ़ोन की। अगर आप पबजी खेलते हो, हैवी गेमर हो, एडिटिंग वगैरह करते हो फ़ोन में, मतलब थोड़ा बहुत हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह आप करते हो, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4 GB वाला वेरियंट प्रेफर करें। और एक चीज़, अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है और बजट फ़ोन एक सैमसंग का ही लेना है, तो इससे अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा सैमसंग का, मार्क माय वर्ड्स, इससे अच्छा फ़ोन नहीं मिलेगा अगर आपको सैमसंग का ही लेना है। तो इसके कंपैरिजन में कुछ एक फ़ोन्स और है, रियलमी 2 हो गया, रियलमी 2 प्रो हो गया, एसूस का हो गया, ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2, ये सब फ़ोन्स हैं इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर काफ़ी बड़ी बैटरी है, बैटरी के मामले में आपको कहूँगा इसे ज़रूर प्रेफर करें। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।